एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आज का जो वीडियो है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ऑयलिंग के बारे में बताऊंगी। मींस ऑयलिंग कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ मैं बताने वाली हूँ। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि ऑयल को कैसे बनाते हैं, एक साधारण सा ऑयल को कैसे बनाते हैं कि वो गुणों से भरपूर हो जाए और उससे हमारे बाल की ग्रोथ अच्छी होने लगे। तो वीडियो में मैं बाल खोल के अपने नहीं दिखा रही हूँ अभी, क्योंकि ये इंट्रो मैं थोड़ा टाइम पहले शूट कर रही हूँ। और वो जो मैंने हेयर ऑयलिंग कैसे करना है उसका वीडियो मैंने थोड़ा पहले ही शूट करके रखा था। अभी मैं आपको अपने हेयर नहीं दिखा रही हूँ, अपने हेयर मैं आपको दिखाऊंगी 12 सितंबर के बाद। 12 सितंबर को ही दिखाऊंगी या 13 सितंबर को, लेकिन उसी दिन दिखाऊंगी ताकि आप लोगों को मेरे हेयर ग्रोथ का विजिबल दिखे कि हाँ मेरा हेयर ग्रोथ हुआ है या नहीं। तो उसके लिए आप लोग रेडी रहना है। और आज के वीडियो में मैं ऑयलिंग दिखा देती हूँ, स्टेप बाय स्टेप कैसे ऑयलिंग करना चाहिए जिससे हेयर ग्रोथ जल्दी हो, वैसे लोगों के भी हेयर ग्रोथ जल्दी हो जिनको हेयर ग्रोथ मतलब उनके हेयर बढ़ने का नाम नहीं लेते, लाइक मी। मेरे हेयर बढ़ने का नाम नहीं लेते हैं, लेकिन फिर भी मुझे अभी ये जो इंट्रो शूट करने के टाइम में मुझे समझ में आ रहा है कि मेरे हेयर कितने लंबे हो चुके हैं। अगर आपको दिख रहा होगा, मैंने अपने बालों को अच्छे से लूज बांध रखा है, तो पूरा नहीं दिखाऊंगी अभी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। बट उससे पहले क्या करना है, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन जरूर दबा लेना और ऑल ऑप्शन क्लिक कर लेना, जिससे हमारे सारे वीडियो की अपडेट्स आपको मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर देना, बिना लाइक के मत जाना, क्योंकि वीडियो तो देख लेते हो, लाइक नहीं करते यार, लाइक कर दिया करो ताकि और हम मोटिवेट हो। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं नहाने से 3 घंटे पहले ये ऑयलिंग कर रही हूँ। तो ये मेरा एक्चुअल फेस है, तो आप लोग देख सकते हो, जज मत करना। ये अभी मैं सबसे पहले बालों की टैंगल को निकाली, क्योंकि ऑयलिंग करने से पहले बाल सुलझे हुए होने चाहिए। अभी मैं वही ऑयल जो मैंने पहले की वीडियो में शो किया था, उस ऑयल को अभी थोड़ा सा गर्म ही है और इसे मैं अपने हाथों से यानी फिंगर टिप से स्कैल्प में लगा रही हूँ। मैंने कहीं पढ़ा था कि फिंगर टिप से स्कैल्प में मसाज करने से ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी अच्छा होता है और आपके बाल काफ़ी हेल्दी होते हैं और जो हेयर ग्रोथ है काफ़ी अच्छे से होती है। तो अभी मैं अच्छे से ये कर रही हूँ और मैं अपने स्कैल्प में पहले लगा रही हूँ फ्रंट साइज़ के, और आगे स्कैल्प लगाने के बाद मैं बैक साइड में भी ऐसे स्कैल्प में लगाऊंगी, और इसके बाद जो ऑयल है उसको लेंथ में लगाऊंगी। तो ऑयल को लेंथ में भी लगाना उतना ही ज़रूरी है जितना कि स्कैल्प में लगाना ज़रूरी है। लेंथ में लगाने से ना जो हमारे स्प्लिटेंस वगैरह होते हैं वो भी सही हो जाते हैं। और अभी मैंने पीछे इसलिए देखा क्योंकि लड्डू सो रहा था और मैं उसके सोते हुए ही काम करती हूँ, तो उसको जस्ट मैंने आवाज़ सुनी तो मैंने देखा। और अब मैं बैक साइड में अपने लेंथ में लगा रही हूँ। मैं पूरे बालों के लेंथ में भी लगाऊंगी। सबसे ज़्यादा जो हमारा सिरा होता है बालों का, टिप होती है, वहाँ पे ज़रूर लगाती हूँ मैं, क्योंकि वो काफ़ी हेल्प करती है आपके बालों को लेंथ इंक्रीज़ करवाने में। तो ऐसे ही मैं कर रही हूँ, आप भी ऐसे ही बिल्कुल करना, और मेरे साथ साथ आप भी इस हेयर ग्रोथ चैलेंज में भाग लो और बताओ कि आपका हेयर ग्रोथ हुआ या नहीं हुआ। मैं ये वाला जो क्लिप है, ऑयलिंग का क्लिप है, ऑलमोस्ट 15 दिन पहले ही शूट कर चुकी थी, और जो इसका इंट्रो है 5-6 दिन पहले शूट किया है। तो अब भी इंट्रो वाले वीडियोस में और इस क्लिप में काफ़ी फ़र्क है, और मुझे अपने बालों के जो लेंथ का है डिफरेंस समझ में आ रहा है, जो कि मैं नेक्स्ट मंथ 12 सितंबर को शो करूंगी। तो आप लोग खुद देखना कि रियल में मेरे बाल बढ़े हैं या नहीं तो देख लीजिए। और इसको मैं शैम्पू करने के 3 घंटे पहले ऑयलिंग कर रही हूँ। आप चाहे तो होल नाइट ऑयलिंग करके रख सकते हैं बालों में, बट जिनको पिंपल्स की प्रॉब्लम है उनको ज़्यादा देर तक बालों में ऑयल नहीं रखना चाहिए। अभी मुझे भी 1-2 पिंपल्स निकलने लगी है, बहुत टाइम बाद फिर से पिंपल्स आ रहे हैं चेहरे पर, तो मैं ज़्यादा टाइम ऑयल नहीं रखती हूँ सर में। 3 घंटे पहले मैं ऑयल कर रही हूँ और इसके बाद इसको अच्छे से टाई कर लूँगी मैं, और जो भी आप शैम्पू है उस शैम्पू से इसको आप वॉश कर सकते हो, जो भी आप यूज़ करते हो। बेटर होगा कि माइल्ड शैम्पू यूज़ करो, यानी कि कोई हर्बल शैम्पू यूज़ करो जिसमें कोई केमिकल ना हो, वो ज़्यादा अच्छा होता है।
अब मैंने ऑयलिंग करने के बाद ना अपने बालों को मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ, तो जो फिंगर टिप से मसाज कर रही हूँ और बार बार मुझे पीछे लड्डू को देखना पड़ रहा है। और इस टाइम मैं अच्छे से मसाज कर रही हूँ, मुझे मसाज करने में ऑलमोस्ट 15 मिनट का टाइम तो लेती ही हूँ। अब मैं बालों को बैक साइड करके भी मसाज कर रही हूँ। इस तरीके से मसाज करने से ना ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो बहुत हैवी हो जाता है और आपका बाल जो है इंस्टेंट बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से इसको मसाज कर रही हूँ अपने फिंगर टिप से बालों में, और अपने बालों को स्ट्रेट करने की भी कोशिश कर रही हूँ। अब ये अच्छे से जब मसाज हो जाए, मसाज में आपको कम से कम 15 मिनट का टाइम अपने हेड को देना ही है। और मैंने काफ़ी टाइम लिया है, लेकिन ये वीडियो को बहुत शॉर्ट में मैं शो कर रही हूँ। तो देखा आपने हेयर ऑयल करना कितना आसान है। एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगी, सेल्फ हेयर ऑयलिंग में मुझे ऐसा लगता है कि इतना रिलैक्स नहीं मिल पाता है, और ये मेरी अपनी पर्सनल राय है कि शायद इतना ही रिलैक्स नहीं मिल पाता, लेकिन अगर कोई और हमारी ऑयलिंग कर दी तो मज़ा ही आ जाएगा। तो ऑयलिंग अगर किसी और से करवाते हो और उस टाइम नींद आपको आए तो बिल्कुल नैप एक छोटा सा ले लेना, ताकि वो जो ब्लड सर्कुलेशन सर में होता है ना, वो अगर उससे नींद आता है ना तो वो आपकी बॉडी के लिए काफ़ी अच्छा है। आपकी बॉडी रिलैक्स भी करेगी और जो वो हेयर ऑयलिंग हो रही है उसके बहुत सारे बेनिफिट्स आपके सिर में जाएंगे और आपका सर रिलैक्स करेगा, आप मतलब फ्रेशनेस महसूस करोगे। तो जब भी आपका अगर ऑयलिंग किसी और से करवाते हो और आपको नींद आए तो बिल्कुल सो लेना। ये टिप कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं बता रही हूँ क्योंकि मेरे साथ तो ऐसा ही होता है और मुझे लगता है कि सोना एक अच्छी बात है। अगर 10 मिनट का आधा घंटा का नैप ले लेना है तो कोई बुरी बात नहीं है, तो आप भी ज़रूर करना। और इस वीडियो के बारे में आप सभी की क्या राय है उसको इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, मैं सभी के कमेंट्स का इंतज़ार करूँगी। चलो फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।